अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि धान की फसल को जो है ना ऊपर मुंजी जो है वो लग चुकी है। तो अभी ये कुछ ही दिनों में जो है ये पक जाएगा, उसके बाद इसकी कटाई वगैरह होगी और फिर इसको जो है सेव किया जाएगा या सेल आउट कर दिया जाएगा। लगी है सकते हैं, मैंने जैसे आपको एक पहले वीडियो में दिखाया था कि ये धान की फसल बहुत छोटी छोटी थी, लेकिन अब ये बड़ी हो गई है। इसको ये जो है इसके अंदर चावल ऊपर जो है ना लग गए हैं, लेकिन अभी ये कच्चे हैं, थोड़े से पक जाएंगे तो फिर वो भी आपके साथ खेत जो आपको नजर आ रहा है वो अभी तक ये सारा खेत मुंजी का है। काफी बड़ा प्लॉट है ये, मैं आपको दिखा रहा हूँ सारा। ठीक है, ये सारा प्लॉट जो है मुंजी का है। आगे से थोड़ा सा दिखाता हूँ, तो ये जो है ये पक जाता है। तो बाज लोग तो जो है इसको जो है ना खुद काट लेते हैं, किसान मजदूर लगा कर या खुद वो काट लेते हैं, या फिर एक जो है ना मशीन होती है इसको काटने के लिए, वो मशीन इसको काटती है, इसकी जो तना होता है उसको वो काट कर नीचे फेंक दी जाती है, और बाकी जो है वो जो इसके चावल होते हैं वो ऊपर से वो उतार कर वो उसके अंदर मशीन के अंदर जो है ना एक बॉक्स बना होता है, उसके अंदर वो सारे चावल जो है ना वो इकट्ठे होते जाते हैं। जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर उससे वो एक जगह पर जो है ना वो वहाँ से मशीन के अंदर से जो है ना वो एक बहुत बड़ा जो है ना उसके अंदर एक जगह बनी होती है, डब्बा सा बना होता है, उसके अंदर वो चावल रखे होते हैं। वो फिर मशीन जब फुल हो जाती है अंदर से भर जाती है तो फिर वो जो है ना उसको बाहर निकाल लेते हैं उससे, या फिर वो जो भी उन्होंने आगे कोई चीज़ खड़ी की होती है, ट्रक ट्रैली वगैरह या कोई आगे से कोई भी चीज़, मतलब कि गाड़ी जो खड़ी की होती है उसमें फिर वो उसको जो है ना वो खाली कर लेते हैं मशीन को, और फिर वो दोबारा से जो है ना इसको मुंजी की फसल को वो काटना शुरू कर देती है, और इसी तरह से वो भूसा लैदा होता जाता है और चावल जो होता है वो मशीन में इकट्ठा होता रहता है। तो इस तरह से ये जो है ना ये होता है, वो नेक्स्ट जब इसकी कटाई होगी तो वो भी आपको दिखाएंगे कि कौन सी मशीन है, किससे ये जो है ना ये चावल की फसल जो है ये धान की फसल है किस तरह से काटी जाती है, और इसकी भूसी जो पीछे इसका तना रह जाता है, इसका वो इसके पत्ते वगैरह और ये वो बाकी मटेरियल जो बचता है उसको फिर आग लगा कर जला देते हैं, या फिर लोग उठा कर ले जाते हैं जानवरों के लिए, के बाद फिर ज़मीन को जो है ना अगली काश्तकारी के लिए अगली किसी फसल के लिए तैयार किया जाता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।